नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार Google शीट के द्वारा Google फॉर्म को ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये Google फॉर्म है, यहाँ पे कंट्री नेम अभी वर्तमान में 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब Google शीट में यहाँ पे 3 है। अब जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया चाइना, देन यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस किया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चाइना आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा जापान, और देन इसको गूगल फॉर्म को मैंने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे कंट्री का नाम जापान आ चुका है। और जहाँ अब मैं जैसे XYZ जो भी है, 1, 2, 3 जो भी है, मैंने इसको कंट्री नेम चेंज कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के नेम आ चुके हैं। तो इस प्रकार जैसे ही आप गूगल शीट में आप चेंज करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म क्रिएट करें। जैसे मैंने गूगल फॉर्म ये मैंने क्रिएट कर दिया, टेस्ट नाम से मैंने इसको टेस्ट नाम से कर दिया। अब आप जैसे चाहते हैं कि नेम को ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन कर दिया मैंने, ड्रॉप डाउन, देन फादर नेम, ठीक है। अब ये फॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पर सेटिंग पे या रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, देन सीट पे क्लिक करना है, देन क्रिएट न्यू शीट, ठीक है। तो ये आपकी सीट क्रिएट हो चुकी है। सीट क्रिएट होने के बाद आपको सबसे पहले या एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, देन एप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। एप स्क्रिप्ट क्लिक किया तो ये एप स्क्रिप्ट की फाइल अभी ओपन हो रही है। ये आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जो कोड है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, तो ये कोड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, देन सेव पे क्लिक करें। अब हमें जो यहाँ पर आ रहा है रोल नंबर 4 पर, पेस्ट गूगल फॉर्म एडिट ID, तो हमारा जो गूगल फॉर्म है ये वाला, इसकी एडिट ID यहाँ से है, D के आगे से, एडिट से पहले, इसे मैं यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ मैं पेस्ट करना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, इसके बाद सेव पे क्लिक करें। और यहाँ पे आ रहा है 6 नंबरों में, पेस्ट गूगल फॉर्म फील्ड ID नंबर। अब हमें फील्ड ID नंबर लेने के लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है डाटा इंडेक्स आइटम, डाटा आइटम टाइप करना है, देन सर्च करना है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे डाटा आइटम आ चुका है। और यहाँ पर जो ये आ रहा है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, देन इसके बाद सेव करना है। ये आपकी इसमें सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो आ रहा ट्रिगर, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद ऐड ट्रिगर पर क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑन एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ से ऑन एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप नोटिफाई कब डेली वीकली करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेव पर क्लिक करें।
इसके बाद यहाँ से आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है आपकी, देन एडवांस पे क्लिक करना है, देन गो टू इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ टर्म कंडीशन है, इसको अलाउ करना है। ये आपका ट्रिगर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें, अब मुझे एक नई यहाँ पर टैब बनानी है और इसका जो नाम है वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर रो नंबर नेम टाइप कर दिया। अब आप जो नाम रखना चाहते हैं संडे, ठीक है। अब गूगल फॉर्म को यहाँ से मैंने बंद कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ संडे आ चुका है ऑटोमेटिकली। अब इसको मैंने व्यू कर दिया, ठीक है, यहाँ पर नेम संडे आ चुका है। अब जैसे मैं संडे को, ये मैंने कर दिया फ्राइडे तक। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा गूगल फॉर्म को, तो आप देख पा रहे होंगे संडे मंडे ट्यूजडे बहुत सारे नाम आप पे आ चुके हैं। और जैसे मैं यहाँ पर गिनती मैंने टाइप कर दी 1 2 3 4 5 जीवन जो भी है ये टाइप कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा गूगल फॉर्म को, तो यहाँ पर ये बहुत सारा डाटा यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली आ चुका है। गूगल शीट से डाटा ऑटोमेटिकली आपके गूगल फॉर्म में आ चुका है। तो इसकी हेल्प से आप गूगल शीट का जो भी डाटा है उसको आप गूगल फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।